हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यूट्रिएंट्स सीआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 81 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ क्यू रीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, पहले बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। ठीक है, अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप वीडियो डर एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन पोर्ट्रेट मोड में चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। रीड द फॉलोइंग एनालॉगीज एंड स्टेट द वन विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ओलिक एसिड, मुफा यानी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बामिटिक एसिड, पुफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यह है जो गलत है। बाकी ए बी और डी जो सही है, स्टार्च ब्लूइश ब्लैक कलर विथ आयोडीन, ग्लाइकोजन रेड कलर विथ आयोडीन, डीएनए 4 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, प्रोटीन 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, और फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड। स्टार्च ग्लूकोज एंड सेलुलोजर होमोपोलीसेकेराइड्स आर एज दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड चेन्स, वाइल सेलुलोज हैज ओनली अनब्रांच चेन्स। हेंस व्हेन आयोडीन इज एडेड टू स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद द ब्रांच्ड पार्ट विच अपीयर्स ब्लू और रेड रेस्पेक्टिवली। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट सीन इन सेलुलोज। डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोमर्स विच कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। दस डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, वाइल माइक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, आउट ऑफ विच 10 आर एसेंशियल एंड रिमेनिंग 10 आर नॉन एसेंशियल। फैटी एसिड्स कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिपेंडिंग ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज मुफा, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज पुफा। एज इट कैन हैव ओनली वन डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल्स ऑफ मुफा आर ऑलिक एसिड और पामिकिक एसिड एक्सेट्रा, वाइल ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो पुफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। आंसर विल बी सी, ओनली G2। सी सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेज एंड माइटोटिक एम फेज। इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू G1, S एंड G2 स्टेजेस। द माइटोटिक फेज इज एक्चुअल डिविजन फेज एंड इज डिवाइडेड इंटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। डीएनए इज सीन इन ऑल फेजेज। इन द एम फेज बोथ 4C एंड 2C ऑफ डीएनए इज सीन। इन एस फेज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एंड हेंस द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। दस आफ्टर एस फेज इन जी टू फेज द डीएनए डबल्स, दैट इज इट बिकम्स 4C। इफ सेल्स आर ब्रोकन अप एंड सेडिमेंटेड बाई सेंट्रिफ्यूगेशन, द न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन वन ऑफ द फ्रैक्शन इज। आंसर विल बी माइक्रोजोम्स। वेन सेल्स आर ब्रोकन अप अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक्स आउट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोजोम्स। दीज आर स्मॉल बॉडीज दैट आर एबसेंट इन हेल्दी लिविंग सेल्स एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेनी एक्सपेरिमेंटल पर्पसेज। बींग सिमिलर टू ई आर, दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज टू परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस ऑन अ मेम्ब्रेन एंड दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल प्रोसेस दैट अकर्स इन द सेल। एज दीज माइक्रोजोम्स मिमिक द एक्टिविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ टेस्ट ट्यूब। डार्विन्स फिंचेज आर एग्जाम्पल ऑफ। आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि कन्वर्जेंट सॉरी एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट डार्विन्स फिंचेज आर स्मॉल बर्ड्स दैट वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाई डार्विन एट गैलापागोज आइलैंड ड्यूरिंग द वॉयेज इन हिज शिप HMS बीगल। हमने पूछा था अभी कि HMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया है, तो आप जरूर रिप्लाई करें। अगली वीडियो में इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे और उसका नाम भी लेंगे जो कमेंट करेगा। तो हिज शिप HMS बीगल, डार्विन नोटिस दैट ऑल द आइलैंड्स हैड दीज स्मॉल फिंचेज विच वेयर वेरी सिमिलर एक्सेप्ट फॉर दियर डाइवर्स बिग शेप्स।
दिस वॉज सरप्राइजिंग फॉर हिम एंड सो डार्विन ऑब्जर्व दीज बर्ड्स एंड दस केम टू द कंक्लूजन दैट बिग शेप्स वेयर डिफरेंट बिकॉज ऑफ दियर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स एंड हैबिटेट. दस द फिंचेज गॉट एडेप्टेड टू द न्यू हैबिटेट एंड हैबिट्स. दिस इज एडेप्टिव रेडिएशन. दिस वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एज अकॉर्डिंग टू डार्विन दिस फिंचेज बींग्स सिमिलर हैड अ कॉमन एंसेस्टर बट ड्यू टू हैबिटेट चेंजेज गॉट एडेप्टेड सेपरेटली. हेंस दिज फिंचेज आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फिटस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग, आंसर होगा यहाँ पर सी, फिफ्थ मंथ. ए फॉर फर्स्ट मोमेंट, ए फॉर फिफ्थ मंथ, ऐसे याद रख सकते हैं. ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ्स एंड इट ऑफिशियली बिगिन्स आफ्टर इम्प्लांटेशन, दैट इज 8th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. द साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस इज फर्स्ट रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ एज हार्ट साउंड आर क्लियर एंड ऑडिबल. द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स बाई द एंड ऑफ 60 डेज. मेजर सिस्टम्स ऑल्सो डेवलप इन द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस एंड अपेरेंस ऑफ हेयर नोन एज लेनुगो ऑन ऑन हेड इज सीन ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ. अच्छा, यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ए फॉर फर्स्ट भी हो सकता है, ए फॉर फिफ्थ भी. तो आप याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है. पेरिटोनियम ऑफ सिलोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर विल बी डी, स्क्वैमस इपिथिलियम. इपिथिलियम इपिथिलियल टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कंपाउंड इपिथिलियम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. द सिंपल इपिथिलियम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सेल्स. दीज आर स्क्वैमस इपिथिलियम व्हेन द सेल्स आर फ्लैट, क्यूबॉइडल व्हेन द सेल्स आर स्क्वायर इन शेप, कॉलमनर व्हेन द सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक, एंड सिलिएटेड व्हेन सेल्स शो द प्रेजेंस ऑफ सिलिया. द मेन फंक्शन ऑफ सिंपल इपिथिलियम इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज. पेरिटोनियम शोज फ्लैट सेल्स एंड हेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वैमस इपिथिलियम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिलिट्रेट्स आर रॉन्ग, आंसर विल बी सी, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर रॉन्ग. नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स ऑन द बॉडी, सही है सिलिट्रेट्स के लिए. सेकेंड, डिप्लोब्लास्टिक विद सेलुलर लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है. पॉलीफॉर्म्स ऑफ फ्री स्विमिंग, तो मेडूसा फॉर्म करते हैं. फोर्थ यहाँ पे है मेनी एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस, ये भी सही है. और यहाँ पे कह रहा है पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली एंड मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, तो हमारा गलत हो जाएगा. इसका ट्रिक भी है पीपीएमए, यानी पॉलिप प्रोड्यूस पीपीएमए, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, ए फॉर एसेक्सुअली. पीपीएमए पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली एंड मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, तो ये हमारा फिफ्थ भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में दिया हुआ है. फाइलम सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज नाइडेरियंस एंड दे पजेस नाइडोसाइट्स. दीज आर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड थ्रू आउट द बॉडी. दिस फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज डिप्लोब्लास्टिक एज मेजोडर्म इज एबसेंट. सम ऑर्गेनिज्म शो मेटाजेनेसिस. दिज शो टू फॉर्म्स, दैट इज पॉलिप एंड मेडूसा. पॉलिप इज सिलिंड्रिकल इन शेप व्हाइल मेडूसा आर अम्ब्रेला शेप्ड. पॉलिप इज सेसाइल व्हाइल मेडूसा आर फ्री लिविंग. पॉलिप रिड्यूसेस मेडूसा एसेक्सुअली व्हाइल मेडूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली. दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो यहाँ पे एड्स का होगा आर, ए यानी आर यानी एचआईवी. बी एस सिल्फिस का होगा ट्रिपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया कॉज करता है. सी का क्यू यानी कि वायरल जॉन्डिस जो है वो हिपेटाइटिस वायरस के कारण होता है. और डी यानी गोनोरिया का होगा टी यानी कि नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होते हैं. एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एंड इज कॉज बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. सिल्फिस इज कॉज बाई बैक्टीरिया. ट्रिपेनोमा पैलिडम. जॉन्डिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लीवर एंड इज कॉज बाई द हिपेटाइटिस वायरस. गोनोरिया इज ऑल्सो नोन एज क्लैप इज कॉज बाई नीसेरिया गोनोरिया. आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में. मैलिक एसिड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ड्यूरिंग दिस इनहिबिशन.
तो आंसर हमारा डी होगा, वी मैक्स रिमेंस द सेम, के एम इंक्रीज करता है। ओके, एनी सब्सटेंसेज दैट कैन डिमिनिश द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज इनहिबिटर। द टू मेन टाइप्स ऑफ इनहिबिशन आर कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन द एंजाइम एंड इनहिबिटर कम्पीट टू बाइंड टू द सेम एक्टिव साइट, हेंस इफ सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन इज इंक्रीज द चांसेस ऑफ सब्सट्रेट बाइंडिंग टू द एंजाइम विल इंक्रीज। दस इफ एस इंक्रीजेज के एम माइकलिस कॉन्स्टेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन द सब्सट्रेट एंड इनहिबिटर बाइंड एट डिफरेंट साइट्स, हेंस डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर। दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन एंड हेंस के एम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इन डिक्रीजेज। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इज मैलिक एसिड। दिस कम्पीट्स विथ सक्सिनेट सब्सट्रेट टू बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मार्क्ड बाई टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। आंसर विल बी डी, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस द फर्स्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज प्रोफेज फर्स्ट। इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फाइव फेजेज। फर्स्ट लेप्टोटीन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मेटेरियल टेक्स प्लेस इन द स्टेज टू। जायगोटिन द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर्मेशन इन इज सीन इन द स्टेज, इन दिस स्टेज दिस इज नोन एज सिनेप्सिस एंड दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाई फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। थर्ड इज पैकेटिन, एट दिस पॉइंट अ टेट्राइड ऑफ क्रोमोजोम इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज बाइवेलेंट। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो सीन इन दिस स्टेज। फोर्थ यहाँ पे डिप्लोटीन है, द सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स डिग्रेड्स एंड काइजमाटा फॉर्मेशन इज सीन। फिफ्थ डायकाइनेसिस, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज। हियर द क्रोमोजोम्स कंटेन्स फर्दर फोर प्रॉपर टेट्राड्स आर विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज, टर्मिनलाइजेशन इज सीन। और जो सेल डिवीजन के जो टॉपिक है, प्रोफेज फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस का जो पूरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप रिवाइज कर लें। लगभग हर टेस्ट में माइटोसिस मियोसिस क्वेश्चन आ ही जाता है, माइटोसिस से कम आता है लेकिन मियोसिस से ज़्यादा आता है। ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। आंसर विल बी द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड एज अ फ्लूइड मोजैक मॉडल बाई स्लाइडन एंड स्वान। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेडअप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द लिपिड्स आर अरेंज इन अ बाई लेयर, द लिपिड्स प्रेजेंट एज फॉस्फोलिपिड्स। दीज आर अरेंज इन सच ए वे दैट द पोलर हेड्स आर टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स आर टुवर्ड्स द इनर साइड। द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन्स इट इज सीन दैट अराउंड 40% इज लिपिड एंड 52% इज प्रोटीन। दिस एक्सप्लेन्स दैट क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड causes the movement of proteins throughout the bilayer structure. The glycolipids are oriented towards outside the plasma membrane and are extrinsic in nature. A type of natural selection that preserves existing allelic frequencies is called, answer will be B, stabilizing selection. There are three types of natural selection, stabilizing or balancing, directional and disruptive. In the stabilizing type of type, the two extremes of a population are not able to survive and only the mean character value survives. In directional change, more individuals acquire value other than the mean character value. In disruption type, more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve. और इसका जो ग्राफ है वो भी आप जरूर याद रखें। इवोल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। Which of the which is wrong about oogenesis? Answer will be D, equal meiotic division नहीं होते हैं क्योंकि इसमें पोलर बॉडी फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग, और बाकी सही है ए बी और सी, डिप्लॉयड ओगोनिया ग्रोथ फेज और फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज। ड्यूरिंग ओजेनेसिस प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। दीज आर सेकेंडरी ओसाइट एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। दीज आर अनइक्वल इन साइज। पोलर बॉडीज आर मच स्मॉलर इन डायमीटर देन द ओसाइट बिकॉज द साइटोप्लाज्म इज रिटेन्ड इन बल्क इन द सेकेंडरी ओसाइट। दिस अकर्स बिकॉज द सेकेंडरी ओसाइट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ओवम एंड इफ इट गेट्स फर्टिलाइज्ड विल फॉर्म जाइगोट। हेंस द रिटेन्ड साइटोप्लाज्म विल एक्ट एज स्टोर्ड फूड फॉर द डेवलपिंग जाइगोट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओजेनेसिस एंड मियोसिस डिविजन इन अदर सेल्स।
जेनाइटल वार्ट्स आर कॉमनली स्प्रेड बाय, आंसर विल बी बी पैपिलोमा वायरस। जेनाइटल वार्ट्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट अफेक्ट्स द जेनाइटल एंड एनल एरिया एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम, वेजाइना एंड सर्विक्स। दीज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेज। दीज आर कॉन्टेजियस वार्टी ग्रोस एंड स्प्रेड्स वाया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जाम्पल्स, आंसर विल बी डी मलस्का, लोलीगो, टेरेडो और ऑक्टोपस होते हैं। स्पॉन्जिला एंड यूप्लैक्टिला बिलोंग्स टू द फाइलम पोरिफेरा एंड पेनाटूला बिलोंग्स टू द क्लास एंथोजोआ फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइसेलिया एंड ऑरेलिया बिलोंग्स टू द क्लास हाइड्रोजोआ एंड स्काइफो जोआ। फाइलम सिलेंट्रेटा एंड लिमनोस बिलोंग्स टू द फाइलम अर्थ्रोपोडा। प्लेनेरिया एंड सिस्टोजोमा बिलोंग्स टू द फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज एंड एंट्रोबियस। इज अ राउंड वर्म बिलोंगिंग टू फाइलम स्कहेलमिंथीज। लोलिगो टेरेडो एंड ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। दीज आर नोन एज मोलस्क बिकॉज ऑफ सेल लाइक कवरिंग प्रेजेंट। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, हैव थ्री जर्म लेयर्स, लेयर बैंड एंड अ बॉडी कैविटी टू। द बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड बट शोज प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अ सॉफ्ट मेंटल इज सीन ओवर द विसरल हम्प विच प्लेज अ रोल इन रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे कॉकरोच का डायग्राम दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग यहाँ पे सी होगा। ए जो है वो टेगमिना है, बी एनल सरकाई और सी यहाँ पे हो जाएगा निजोथोरैक्स, डी प्रोनोटम और ई होगा हमारा हिंड विंग। द फॉर्मिंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एंजाइम एक्टिविटी विथ चेंजिंग, आंसर विल बी सी बोथ ए एंड बी, यानी पीएच और टेम्परेचर का जो है वो सेम ग्राफ ग्राफ होगा। एक्जोनिमा हैविंग 9+2 डबलेट माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट इज फाउंड इन, आंसर विल बी ए सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला आर एक्सटेंशन दैट अराइज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजिला आर लॉन्ग लॉन्गर देन सिलिया। बोथ स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मोर्टेलिटी। द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो वेरी सिमिलर। द सेंट्रल कोर इज नोन एज एक्जोनिम। दीज शो 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स दैट आर अरेंज्ड पेरिफेरली एंड वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल इज ऑल्सो सीन इन द सेंटर। दिस इज 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड टू सम पेरिफेरल ट्यूबुल्स बाई मीन्स ऑफ अ सीथ। रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट बाई लेडरबर्ग शोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रूफ्स, आंसर विल बी नेचुरल सेलेक्शन। यहाँ पे कर रेप्लिका प्लेट से फिर से देखते हैं। रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट बाई लेडरबर्ग शोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रूफ्स, आंसर विल बी नेचुरल सेलेक्शन। रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाई लेडरबर्ग एंड, दोनों लेडरबर्ग ही है, एस्थर लेडरबर्ग इन 1952। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द जेनेटिक बेसिस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस म्यूटेशन इन ई कोलाई बैक्टीरिया। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेंस ऑफ बैक्टीरिया वेयर एबल टू सर्वाइव एंटीबायोटिक्स बिकॉज दिस बैक्टीरिया हैज द रेजिस्टेंस बिफोर दियर एक्सपोजर टू इट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। विच इवेंट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, आंसर वी विल सी डीपोलराइजेशन ऑफ ओसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लॉक टू पॉलीज स्पर्म इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इवन इन सी अर्किन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। दिस इज डन बाई टू इवेंट्स। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीज स्पर्म मी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स दैट कॉज द ओसाइट मेम्ब्रेन टू गेट डीपोलराइज। देयर इज ए स्लो ब्लॉक टू पॉलीज स्पर्म टू। दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शंस। दीज टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोटाइपिक फीचर्स इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आफ्टर अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल एंड अ हेटरोजाइगस फॉर अ
सिंगल लोकस, आंसर विल बी सी 1:1, यानी कि यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है इसलिए 1:1 होगा। व्हाट इज हर्बेरियम, हर्ब फॉर हर्बेरियम, हर्ब मतलब प्लांट्स, हर्ब्स स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन होगा। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ए अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशियस इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पर ए हमारा सही होगा। बी यहाँ पे कह रहा है टेम्परेट इन्वायरमेंट्स लाइक ट्रॉपिक वंस आर लेस सीजनल, तो ये हमारा गलत है। लेस सीजनल होते हैं ट्रॉपिकल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट ये भी ट्रॉपिकल होते हैं एंड प्रेडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोमोट नीचे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पेसी डाइवर्सिटी। तो ये सब जो है वो ट्रॉपिकल के बारे में है, टेम्परेट के बारे में नहीं, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे कह रहा है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी, दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो ये हमारा सही है, ये आंसर भी हमारा सी होगा, ए एंड सी आर करेक्ट। ई कोलाई इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज, आंसर विल बी बी इट इज इजली कल्चर्ड। ई कोलाई इज बैक्टीरियम दैट इज रॉड शेप्ड एंड ग्राम निगेटिव, इट बिलोंग्स टू द जीनस ई कोलाई, जीनस इसेरिया एंड द मोस्ट वाइडली स्टडीड प्रोकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म। दिस बैक्टीरियम इज मोस्टली यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च फॉर द मिनिमल लिविंग रिक्वायरमेंट्स, दिस अलोज इट टू बी कल्चर्ड इजली एंड मैनुपुलेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, मेकिंग इट इनएक्सपेंसिव फॉर लैब पर्पोजेज। द प्लाज्मिड इज यूज एज अ क्लोनिंग फैक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम, आंसर विल बी सी, सी जो हमारा गलत है। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ है, इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल टॉप होगा उतना ज़्यादा उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। बाकी ए बी और डी सही है, एनर्जी फ्लो इज वन डायरेक्शन ओनली, अबाउट 1 to 5% ऑफ एनर्जी रीचिंग द ग्राउंड इज कन्वर्टेड बाई द ग्रीन प्लांट्स इन टू केमिकल एनर्जी, और ओनली 10% ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर इज एंट्रैप्ड बाई हर्बिवोर्स फॉर दियर बिल्डिंग दियर बॉडी बिल्डिंग। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ए बायोटिक कम्पोनेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कम्पोनेंट्स आर लिंक टूगेदर बाई न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लो थ्रू ईच ट्रॉफिक लेवल्स। इन अ टिपिकल फूड चेन द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड नेवर फॉर्म्स अ साइक्लिक पैटर्न। डेथ व्हाइल स्लीपिंग इज क्लोज्ड, डेथ व्हाइल स्लीपिंग इन क्लोज रूम विथ बर्निंग कोल फर्नेस इज ड्यू टू, आंसर विल बी कार्बन मोनोक्साइड। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल व्हिच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट एंड गिव्स आउट कार्बन मोनोक्साइड एज ए वेस्ट और पॉलिटेंट। हीमोग्लोबिन शोज मोर एफिनिटी टू कार्बन मोनोक्साइड देन ऑक्सीजन, व्हेन दिस सीओ फिल्ड एयर इज इनहेल्ड इट रिप्लेसेज ऑक्सीजन इन आवर ब्लड एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CuHb। CuHb इज अ वेरी टॉक्सिक एंड कैन लीड टू रेस्पिरेटरी डिजीज एंड इवन कॉज न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग कैन लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। द बायोलॉजिकल सीजर्स आर फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट डीएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स, ये हमारा गलत है, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स में नहीं होते हैं। सेकेंड एंजाइम्स ऑलवेज कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो ये हमारा सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट वेरियसली रिकॉग्नाइजिंग एंड कटिंग डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस, तो ये भी हमारा सही है, यानी सर विल बी बी सेकेंड एंड जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। कंप्लीट द गिवेन फ्लो चार्ट अबाउट डीएनए कॉम्प्लिकेट कंपैक्शन एंड पैकेजिंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे डीएनए होगा एक्स जो हमारा हो जाएगा, डीएनए के बाद न्यूक्लियोजोम बनता है, न्यूक्लियोजोम फॉर्म करता है सोलेनोइड और सोलेनोइड से बनते हैं क्रोमैटिड, उसके बाद सॉरी सोलेनोइड से बनते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमैटिड, उसके बाद क्रोमोजोम। ओके तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई खास नहीं है। थैंक
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, आंसर विल बी डी, लिमिटिंग रिसोर्सेज। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सस्टेन्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव नॉर्मली इन अ पर्टिकुलर एरिया। द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द कैरिंग कैपेसिटी इज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द एरिया और द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट मेट देन द पॉपुलेशन विल कीप डिक्रीजिंग अंटिल द रिसोर्सेज रीबाउंड। नेटलिटी रेट इज द नंबर ऑफ न्यू बॉर्न्स पर 1000 इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ गिवेन टाइम। बर्थ रेट, मोर्टेलिटी इज द डेथ रेट वेयर इट इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ गिवेन टाइम। प्रीडेशन इज द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बिटवीन प्रीडेशन एंड प्रे। 30 नंबर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल कर रीड करेंगे। यहाँ पे द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज द मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। इजी क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोवा इज कॉल्ड, आंसर विल बी ए नाइसोगेमी। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ अ स्प्रिंग विच लुक सिमिलर टू पेरेंट्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वेयर टू गैमेटिक सेल्स फर्टिलाइज और फ्यूज टू प्रोड्यूस जाइगोट। प्रोटोजोवा आर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कमिंग अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। दीज आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक इन नेचर। प्रोटोजोवंस लाइक प्लाज्मोडियम शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया एनिसोगेमी वेयर गैमिट्स पार्टिसिपेटिंग आर नॉट सिमिलर इन शेप एंड साइज। साइजोगेमी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स फ्यूजिंग टू फॉर्म अ न्यू सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन इज कॉल्ड प्लास्टोटोमी वेयर द मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोवन सेल डिवाइड्स इंटू टू और मोर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। मैच द कॉलम वन एंड टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवेन। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्पेसीज के बारे में बताना है, तो यहाँ बीटल्स का होगा 4 यानी 3 लाख स्पेसीज होते हैं। एंट्स का जो होते हैं टोटल 20,000 स्पेसीज, और सॉरी एंट्स एंट्स का बी का 1। तो यहाँ पे हो सकता कुछ, यहाँ पे जो है एंट्स का 20,000 स्पेसीज है, ऑर्किड्स के यहाँ पे हैं 28,000, फिशेस के 3 लाख स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा करेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा डी सही है। बीटल्स के 3 लाख स्पीसीज होते हैं और एंट्स और ऑर्किड्स के जो है दोनों को सेम स्पीसी नंबर ऑफ स्पीसीज है यानी 20,000, और जो फिशेस की जो स्पीसीज है वो 28,000 है। 30,000 जो है इसमें से किसी में भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। ओके, डाइवर्सिटी का क्वेश्चन से है, डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। द प्रोटीन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन्स क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। तो आंसर विल बी ए होगा यहाँ पे। बॉल वॉर्म्स जो है यहाँ पे आंसर ए होगा। बैसिलस थ्रोन्जिनेसिस इज बैक्टीरिया हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कॉल्ड बीटी टॉक्सिन। दिस टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इनएक्टिव फॉर्म बाई क्राई जीन फाउंड इन द बैक्टीरियल जीनोम। देर आर अ नंबर ऑफ देम। क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म एंड क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म सो दैट द बैक्टीरिया इज नॉट अफेक्टेड बाई इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ माइक्रो इकोसिस्टम, आंसर विल बी बी पॉन्ड। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ पी प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज नॉट यूज बाई मेंडल, आंसर विल बी सी पॉड लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी
कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आंसर विल बी ए वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। इरीगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप्स वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। द सॉल्ट देन इज डिपॉजिटेड एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। दिस इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इज इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू एग्रीकल्चर। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम टू द वेक ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम आर एंड विल गेट ट्रांसलेटेड कम्प्लीटली। तो आगे जो है इनिशियस कोडोन रहना चाहिए और लास्ट में जो होना चाहिए स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पे जो है बीच में नहीं आना चाहिए, अगर बीच में रहेगा तो कम्प्लीट नहीं होगा। तो आंसर हमारे यहाँ पास सी होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है इनिशिएशन कोडोन है और लास्ट में ईए जो है स्टॉपिंग कोडोन है, इसलिए ये जो होगा कम्प्लीटली ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन देम। आंसर विल बी ए एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन जो है वो म्यूचुअलिज्म शो करता है। इन लाइकेन थैलस एल्गी एंड फंजाई शो म्यूचुअलिज्म। फंजाई प्रोवाइड्स फिक्सेशन फिक्सेशन वाटर मिनरल्स एंड शेल्टर टू द एल्गी। द एल्गी मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर फंजाई। सकर फिश एंड शार्क शो कमर्शियलिज्म एज देयर इज नो निगेटिव इंट्रैक्शन बिटवीन द टू। द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सीन बिटवीन ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज। कस्कुटा इज अ पैरासाइट एंड दस एग्जिबिट पैरासाइटिज्म व्हाइल ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। दिस प्रोपोजिशन वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आंसर विल बी ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सो ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। व्हेन मेंडल क्रॉस्ड पेरेंट्स विथ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड ऑब्जर्व्ड इन द F1 जनरेशन दैट ओनली वन कैरेक्टर वॉज एक्सप्रेस्ड द डोमिनेंट वन। ऑन सेल्फिंग द F1 जनरेशन द कैरेक्टर विच डिड नॉट अपियर इन F1 जनरेशन अपियर्ड इन द F2 जनरेशन। दिस शोड दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग इन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बट दे आर डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस मैच्ड पेयर। आंसर विल बी ए स्पीसीज एरिया ग्राफ जो है वो पैराबोला नहीं होता। बाकी जो है बी सी डी सही है। इक्वेटर इंक्रीज्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज डिस्टेंस रिलेटेड टू द एक्सप्लोर्ड जियोग्राफिकल एरिया और स्पीसीएशन जो है फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन अम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट्स बर्ड्स बैट्स फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a वेयर s इक्वल टू स्पेसिज रिचनेस a इक्वल टू एरिया जेड इक्वल टू स्पेसिज ऑफ द लाइन सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोफिशियंट c इक्वल टू y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। आंसर विल बी B27। ओके राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन फॉर्मिंग स्टेपल डाइट इन द एशियाटिक कंटिनेंट। राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वन ऑफ द मोस्ट नोन वेराइटी ग्रुप ऑफ राइस इज बासमती। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर्स। इंडिया इज नोन टू एक्सपोर्ट 65% ऑफ द ओवरसीज बासमती राइस मार्केट। ओके अराउंड 27 वेराइटीज ऑफ डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया एंड एंशियंट टेक्स्ट पोएट्री एंड फोक हैव रिफरेंस टू द बासमती राइस।
Select the disease which is caused by recessive autosomal genes when present in homozygous condition. Answer will be D. All of these, yani alkaptonuria, albinism, cystic fibrosis. When a specific disease condition defect is inherited through the autosomal chromosomes, such disorders are called autosomal disorders, and they are called as recessive autosomal disorders, as these are expressed only in homozygous condition. For it to occur in an individual, both the parents must have the gene either in heterozygous or homozygous form. Cystic fibrosis is a hereditary genetic disorder of the respiratory system. It is caused due to mutation in the CFTR gene. This condition occurs in an individual when both the alleles for CFTR are affected. Albinism is an inherent condition where very low amount of melanin is produced in skin, hair and or eyes. It is also autosomal recessive disorder which requires the presence of homozygous conditions in the defective gene for expression. In humans, mutation of TRP1 gene results in the condition. Alkaptonuria is a rare genetic condition where body is not able to break down homogenistic acid and its accumulation causes formation of black color urine. It is due to mutation to HGD gene and is a recessive autosomal disorder. What is true for plasmids? Answer will be A. Plasmids are widely used in gene transfer. What will happen if decomposers are completely removed from the ecosystem? Answer will be D. The movement of minerals in an ecosystem will be blocked. और ये जो क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पहले मॉक टेस्ट में, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रोकन डाउन टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीकम्पोजिशन. इट इज ब्राउट अबाउट बाय डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजिशन इज मेनली एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इट्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. डीकम्पोजर्स प्ले अ वाइटल रोल इन एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम एंड ऑल्सो इन मेकिंग अवेलेबल the essential nutrients to the producers. If decomposers are removed from the ecosystem, then minerals required by the producers will not be available and disrupt the food chain. While analyzing the DNA of an organism, it was found that adenine proportion was 30%. What will be the proportion of cytosine in its DNA? तो एडेनिन 30% है, तो 30% उसका थायमिन भी हो जाएगा, यानी टोटल 60% हो जाएंगे. बाकी 40% में जी और सी आ जाएंगे, तो उसको अगर हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 20% ऑफ साइटोसिन हो जाएंगे और 20% यहाँ पे गुआनिन हो जाएंगे. इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20%, आंसर ए. ओके. इन माइस ब्लैक कोट कलर एलील बी इज डोमिनेंट टू ब्राउन कोट कलर एलील बी स्मॉल बी. द ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस बिटवीन ब्लैक माउस कैपिटल बी एंड अ ब्राउन माउस स्मॉल बी वेयर अलाउड टू इंटरब्रीड. What percentage of the progeny would have black coats? Answer will be C, 75%. Monohybrid cross is defined as a genetic mix between the individuals who have homozygous genotype or genotypes that have completely dominant or completely recessive alleles, which results in opposite phenotype for a certain genetic tract. The phenotypic ratio and genotypic ratio of the F2 generation is generation for a monohybrid cross comes to 3:1 and 1:2:1. Mendel derived the law of dominance, which states that when an organism is heterozygous for a trait, meaning it has two different alleles for that gene, the allele that expressed is the dominant one. For the given cross of black coat mice and brown coat mice, as per Mendel's law of dominance, parent यहाँ पे कैपिटल भी होगा, ब्लैक कलर कोट क्रॉस विथ स्मॉल बी यानी ब्राउन कोट कलर F1 जनरेशन में यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी और F2 जनरेशन हमारा आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो जो है 3:1 हो जाएगा. ब्लैक कोट कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी यानी 75% होंगे और ब्राउन कोट यहाँ पे स्मॉल बी यानी 25% हो जाएंगे. In a mature 7-celled or 8-nucleate embryo sac, the ploidy level of the secondary nucleus is the same as that of. Answer will be C. Nucellus. Okay. The embryo sac is the
मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म विच इज अ सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन इट एट द चैलेजल एंड देर आर सेल्स कॉल्ड एंटीबॉडल सेल्स विच एक्ट एज ए न्यूट्रिशनल सेंटर. फीमेल गैमेट इज सराउंडेड बाई टू सिनर्जिड सेल्स विच हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सैक. इन द सेंटर ऑफ द सैक पोलर न्यूक्लियाई इज फाउंड विच इज अ सेल विथ टू न्यूक्लियाई. द प्लॉयडी लेवल ऑफ सिनर्जिड्स एंटीबॉडल सेल्स एंड फीमेल गैमेट एन बट पोलर न्यूक्लियाई इज टू एन. इट इज सिमिलर टू द न्यूसेलस टू एन टिश्यू सेल्स विच हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस. यहाँ पे फिर ब्लास्टर तो फिर रीड कर लेंगे. यहाँ पे तो यहाँ पे कह रहा है कि अ टिपिकल मोनोकोटिलेडोनस रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो है ऐसा हमारा होगा डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि यूजुअली मोर देन सिक्स जाइलम बंडल्स, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ और नो सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं मोनोकॉट रूट में. मोनोकॉट प्लांट्स आर सब ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग वन इम्ब्रियोनिक लीफ और वन कोटिलेडोन इन दियर सीड. एनाटोमिकली द रूट सिस्टम ऑफ मोनोकॉट्स हैज सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इवन दाउ इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकोट प्लांट रूट सिस्टम. द रूट लैक्स कैम्बियम इन इट एंड हैज नो सेकेंडरी ग्रोथ. द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर मोर दैन डाइकोट हैविंग हायर दैन सिक्स. द पिथ रीजन ऑफ मोनोकॉट इज लार्जर इन साइज एंड बेटर डेवलप्ड दैन डाइकोट्स. मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. ओके, तो हमने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे इस टाइप का कॉमन नेम. तो फाइकोमाइसिटिस का होगा सेकेंड यानी अलगल फंजाई, सेकेंड का एस्कोमाइटिस का होगा फर्स्ट यानी सैक फंजाई, और बेसिडियोमाइसिटिस का फोर यानी फंजाई इनफरफेक्टी, और फोर का लिट्रोमाइसिटिस का होगा थर्ड यानी कि इसका भी फंजाई इनफरफेक्टी. तो यहाँ पे कुछ करेक्शन भी है. यहाँ पे बैसिडियोमाइसिटिस को यहाँ पे हम या तो कॉमनली बोलते हैं मशरूम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं या पफ बॉल बोलते हैं. यहाँ पे फंजाई इनफरफेक्टी नहीं बोल सकते हैं बैसिडियोमाइसिटिस को. डिटोरियोमाइसिटिस को फंजाई इनफरफेक्टी बोलते हैं. फाइकोमाइसिटिस को का कॉमन नेम जो है वो है अर्गुल फंजाई, और एस्कोमाइसिटिस का है सक फंजाई. तो इसके बारे में क्या हो सकता है कमेंट करके जरूर बताएं. आगे बढ़ते हैं. द ओवरी इज सेड टू बी हाइपोगाइनस इन द फ्लावर्स ऑफ, आंसर विल बी ए ब्रिंजल. इन मॉस स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन, आंसर विल बी डी लीफी स्टेज. मॉस फॉर्म द हायर मेंबर ऑफ द ब्रायोफाइटा हैविंग वन इरेक्ट प्लांट बॉडी. इन इट गैमेटोफाइटिक स्टेज इज द डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल हैविंग टू स्टेजेस प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज. प्रोटोनिमा स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल स्टेज बियरिंग बर्ड्स फ्रॉम विच द लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस. इट इज अटैच टू द सॉइल बाई राइजोइड्स एंड बियर्स द सेक्स ऑर्गेन्स. द जाइगोट फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स इन टू अ स्पोरोफाइट विच फॉर्म्स ऑन लीफी स्टेज बियरिंग फूड सीटा एंड कैप्सूल. अ स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेज इज मोर इलेबोरेट दैन दैट ऑफ लीवरवॉर्ट्स. Which of the following correctly describes probiotics? Answer will be C. Live microbial food supplement जो है वो probiotics होते हैं. Probiotics are living organisms claimed to provide health benefits on consumption. These generally help by improving the gut flora and the digestive system. These have been known to maintain the natural balance of the microbes in the gut if at all disrupted by any illness or treatment. Probiotics are generally sold as food than medicines. Thus, they do not undergo the stringent process of regulation development of medicines. As such, it is difficult to know is the given probiotic has the product actually contain the bacteria stated on the food label or the product contains enough bacteria to have an effect or the bacteria are able to survive long enough to reach our gut. Archosporium refers to, answer will be a sporogenous layer.
आर्कियोस्पोरियम रिफर्स टू अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल फ्रॉम विच अ स्पोर मदर सेल विल डेवलप। आर्कियोस्पोरियम प्रोड्यूसेस आर्कियोस्पोरियल सेल्स विच देन डेवलप्स इनटू स्पोरोजेनस टिश्यू। सेल्स फ्रॉम ईच डेवलप इनटू गैमेटिक सेल पार्टिसिपेटिंग इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कैपिटल लेयर्स आर फाउंड अराउंड द मिडिल लेयर्स ऑफ सराउंडिंग द स्पोरोजेनस टिश्यू। कैपिटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पोरोजेनस टिश्यू। आउटर मोस्ट एंडोस्पर्म लेयर इज द एलुरोन लेयर हैविंग न्यूट्रिटिव फंक्शन। डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स लीड्स टू डीकलराइजेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। आंसर विल बी डी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज ऑब्जर्व्ड एज फॉस्फेट्स विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ऑल्सो फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। डिफिशियंसी लीड्स टू अबनॉर्मल डीकलरेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स। कैल्सियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड बाई मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। कैल्सियम डिफिशियंसी लीड्स टू लोकलाइजेशन नेक्रोस लीड्स टू डी लोकलाइज नेक्रोसिस एंड स्टंटेड ग्रोथ। कॉपर अकर्स इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग मेनी इंजाइम्स एंड पार्ट ऑफ प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। इट्स डिफिशियंसी रिड्यूस द ग्रोथ इन प्लांट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी केयरफुली। ए काउजेज द 25% लॉस ऑफ CO2 फिक्सड बाई कैल्विन बेंसन साइकिल। बी ऑपरेट्स इन क्लोरोप्लास्ट लीफ पेरोक्सिजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सी एब्सेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। डी डज नॉट प्रोड्यूस ATP। व्हिच लाइट डिपेंडेंट फिनोमिनन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट। आंसर विल बी सी फोटो रिस्पायरेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसीक्वेंस ऑफ यूजिंग एथोफोन। आंसर विल बी डी प्रोमोशन ऑफ मेल फ्लावर्स इन ककम्बर। एथोफोन जो है वो प्रोमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर में होता है, इसलिए जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। थिनिंग ऑफ कॉटन हास्टन फ्रूट रिपनिंग इन टोमेटोज और एक्सेलेटेड ऑक्सीजन। ये जो है साइटोकाइनिन को कहीं जो है वो कॉमर्शियल ये है इथोफोन। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड सोर्स ऑफ इथाइलिन। सॉरी नॉट साइटोकाइनिन, इथाइलिन। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड ऑफ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथोफोन। इथोफोन इज एन एक्वस सोल्यूशन इन इज रेडियली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली। इथेफोन हास्टन फ्रूट रिपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स एंड एक्सलरेट्स ऑक्सीजन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वालनट। इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन ककम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर विल बी ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। ये हमारा गलत है, ओनली प्रेशर ग्रेडियंट पे नहीं करता, और सारे फैक्टर भी होते हैं। ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिफर्ड टू एज अप्लाइड पॉजिटिव प्रेशर व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज निगेटिव। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। Osmosis is the term used to refer especially to the diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane. Osmosis occurs spontaneously in the response to a driving force. The net direction and rate of osmosis depends on both the pressure gradient and concentration gradient. Water will move from its region of higher chemical potential or concentration to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. At equilibrium, the two chambers should have nearly the same water potential. Okay, next आते हैं question number 58 पे। Which one of the following pair is incorrectly matched in respect to the crop varieties for pest resistance? Answer will be जो D है हमारा incorrect match है। क्रॉप वेराइटी जो पूसा स्वर्णिम है वो रेजिस्टेंट टू सूट बोरस नहीं होते हैं। बाकी जो यहाँ पे है ए बी और सी स्टेटमेंट वो सारे सही है। पूसा स्वर्णिम जो है फ्रूट बोरर के लिए है। पूसा सेम जैसिड्स एंड एफिड्स रेजिस्टेंट, और पूसा गौरव एफिड्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं।
क्रॉप प्लांट्स आर ब्रेड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस बाय हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग. रेजिस्टेंस मोस्टली इन प्लांट्स टुवार्ड्स इंसेक्ट पेस्ट इज ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. द क्रॉप वेराइटीज हैविंग पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस. मस्टर्ड, पूसा, गौरव इज रेजिस्टेंस टू एफिड्स, जैसिड्स एंड एफिड्स रेजिस्टेंस हैव बीन डेवलप्ड इन फ्लैट बीन पूसा सेम थ्री. ओकरा वेराइटी पूसा स्वानी इज रेजिस्टेंस टू फ्रूट एंड सूट बोरर्स. पूसा स्वर्णिम इज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ ब्रैसिका विच रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट नॉट सूट बोरर्स. ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे जरूर ध्यान रखें, हमेशा पूछते रहता है. क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कंस्टिट्यूट बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी? आंसर हमारा डी होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है बल्क फॉर्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 60, यूकैरियोटिक ए क्लोरोफिलस एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? आंसर विल सी फंजाई. फंजाई जो किंगडम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61. ये भी जो क्वेश्चन है पिछले मॉक टेस्ट में रिपीट कर चुका है, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो है. ए यहाँ पे होगा वेलवेट एस्टिवेशन, बी होगा ट्विस्टेड, और सी इम्ब्रिकेट एंड डी वेक्जिलरी एस्टिवेशन. ओके, व्हाट इज द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस? आंसर विल सी 8%. बाय द डिफिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मोलर रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस और कार्बन असिमिलेटेड टू फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस. इट इज डिनोटेड बाय फाई. द क्वांटम रेशियो जनरली स्टेज लेस देन वन एज ऑल फोटोन्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्टिवली. टिपिकली फॉर एवरी मोल ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड 0.6 मोल्स ऑफ सीओ टू इन्फ्यूज्ड इज फिक्स्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. क्वांटम यील्ड इज फाउंड टू बी अराउंड 8% इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन सेंटेंस. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे होगा स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विथ जिबरेलिन्स इंक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ द स्टेम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाई एज मच एज 20 टन्स पर एकर. सेकेंड यहाँ पे होगा काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स. और थर्ड यहाँ पे है सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेज विथ साइटोकाइनिंस लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क. आंसर हमारा डी होगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर विल बी यहाँ पे डी होगा, यानी कि सेकेंड और जो थर्ड है वो ट्रू है, यानी कि द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. और थर्ड यहाँ पे कह रहा है ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस, तो सेकेंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट है. और फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव अ इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये हमारा गलत हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग. जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स विद नेकेड सीड्स एंड कॉमनली कॉल्ड एज फेरेरो गेम्स विदाउट ओवरी. दीज प्लांट शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वेयर द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड डोमिनेंट इंडिपेंडेंट व्हाइल द गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड रिसेसिव एंड डिपेंडेंट. जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस एज दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरस इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजिया. द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स एंड स्टेज विद इन द मेगा स्पोरेंजियम. साइकस, स्पाइनस, गिंको एंड गिंको आर क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. इथाइल अल्कोहल C2H5OH इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ. आंसर विल बी ए साइक्रोमाइसिस दैट इज ईस्ट. इन अ मेज कॉम्ब द सिल्की हेयर्स रिप्रेजेंट. आंसर विल बी लॉन्ग स्टाइल विथ फेदरी स्टिग्मा. मेज इज अ मोनोकॉट प्लांट फ्रॉम द एंजियोस्पर्म डिवीजन. मेज यूज विंड एज एजेंट फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस. इट डज नॉट नीड एन इलाबोरेटिव फ्लावर विथ कलरफुल पेटल्स एंड नेक्टर. ऑल्सो मेज प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट इज मेज एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट. मेज शोज टेसल्स फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेयर द फ्लावर्स फॉर्म क्लस्टर. द फीमेल फ्लावर्स गिव आउट लॉन्ग फेदरी सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स
which forms the style and stigma of the flower. This structure helps in capturing pollen for fertilization. These are also visible on the maize comb after fertilization. How many of the given matches are correct? Okay, तो यहाँ पे शुगर केन का फर्स्ट यहाँ पे प्रॉप रूट नहीं होता है, स्टिल्ट रूट होगा, तो इसलिए गलत है। टर्निप मॉडिफाइड रूट सही है। बनियान में जो होता है प्रॉप रूट होता है, स्टिल्ट रूट नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा थर्ड। और फोर यहाँ पे राइजोफोरा नेमाटोफोर रूट और स्वीट पोटैटो फैसिकुलेटेड टैप रूट, ये हमारा गलत है। तो आंसर हमारा सी होगा, सेकेंड और फोर्थ जो है वो सही है। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज दियर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन। टैप रूट्स ऑफ कैरट, टर्निप एंड एंडिविडियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। सच रूट्स कॉल्ड नेमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। ड्यूरिंग मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल हैज 12 बाइवेलेंट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन इट्स पॉलन ग्रेन विल बी। आंसर विल बी ए 12। मियोसिस इज अ रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन वेयर द क्रोमोजोम नंबर आर हाल्व्ड इन द डॉटर सेल फॉर्मड। ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन प्रोसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स व्हिच आर पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम्स। इफ सेल हैज 12 बाइवेलेंट्स देन द मदर सेल विल हैव 24 क्रोमोजोम्स। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्मड फ्रॉम ईच ऑफ द डॉटर सेल फॉर्मड आफ्टर अ कंप्लीट मियोटिक प्रोसेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। दस द क्रोमोजोम्स इन पॉलन ग्रेन विल बी हाफ ऑफ द मदर सेल विच इज 12। सिनोसाइटिक माइसेलियम इज आंसर विल बी सी मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट। द लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव ग्रोथ इज कॉल्ड हाइफा। द एग्रीगेट ऑफ दीज फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइसेलियम। माइसेलियम विच इज नॉन सेप्टेट विथ मेनी न्यूक्लिया इन द साइटोप्लाज्म विल बी कॉल्ड एज सिनोसाइटिक माइसेलियम। दीज आर जनरली फाउंड इन द पैरासाइटिक फंजाई ग्रुप्स लाइक एल्बिगो। इन प्लांट्स कैपिटल बी कैपिटल डबल बी कैपिटल डबल सी इज पोलिनेटेड बाई पॉलेंस ऑफ प्लांट कैपिटल ए कैपिटल डबल ए कैपिटल डबल डी। द फ्रूट दस ऑब्टेंड विल बी आंसर विल बी सी कैपिटल डबल बी कैपिटल डबल सी जीनो टाइप। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। द फ्रूट बेसिकली इज फाउंड बाई मैचुरेशन ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। द जीनो टाइप ऑफ फ्रूट विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। द फीमेल प्लांट जीनो टाइप गिवन इन कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। दस द फ्रूट दस ऑब्टेन विल बी द सेम जीनो टाइप दैट इज डबल कैपिटल बी डबल कैपिटल सी। द इम्ब्रियो विद इन द सीड ऑफ द फ्रूट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेटिक सेल्स। द पॉलन विच इज मेल गैमेट हैज जीनो टाइप ए डी डैश ए डी एंड द फीमेल गैमेटोफाइट हैज बी सी एज द जीनो टाइप। दस द इम्ब्रियो विल बी द जीनो टाइप कैपिटल डबल ए कैपिटल डबल ए कैपिटल डबल बी कैपिटल डबल सी एंड कैपिटल डबल डी। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखें। If due to the some injury, the caudate tendon of the mitral valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? Answer will be C. The flow of blood into the aorta will be reduced. The caudate tendon are a group of tough tendinous strands in the heart. They are commonly referred to as the heart strings. Since they resemble small pieces of string, functionally, the caudate tendon play a vital role in holding the arterioventricular valves in place while the heart is pumping blood. The bicuspid valve is the valve in the heart between the left atrium and left ventricle. The valve opens to allow blood to flow
from atrium to the ventricle. Thus, if the bicuspid valve is partially non-functional, then the blood will flow back into the atrium and thus reducing flow of blood into the aorta. Okay. The contraction of internal intercostal muscle takes place during, answer is D, forceful exhalation. Okay. The muscles of respiration are attached to the rib cage. There are principal and accessory muscles who work to expand and contract the rib cage in order to inhale and exhale. Generally, the process of inspiration is active and expiration is passive in nature. The contraction of internal costal muscle pushes the rib cage downwards and inwards. This decreases the intrapulmonary volume, increasing the intrapulmonary pressure. This leads to the removal of air from the lungs. Expiration. Normal or effortless expiration is brought about the relaxation of external intercostal muscles and diaphragm. A gorilla-like appearance with huge hands and legs is due to excess secretion of. Answer will be B, growth hormone. A gorilla-like appearance with huge hands and legs is a symptom of disease called acromegaly. It occurs due to hypersecretion of growth hormone or somatotropin in adults. Since the growth is complete in adults, the hypersecretion of growth hormone causes increased thickness of bones, especially in their hand and feet. A person from acromegaly has protruding jaw, proganthism, slanting forehead, and thickened supra or vital ridges. This gives the appearance of an ape, that is gorilla. Refer to the characteristics given below and identify how many are true for a skeletal muscle. Okay, तो स्केलेटल मसल के लिए यहाँ पे होते हैं डार्क एंड लाइट बैंड और एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं. आंसर हम हमारा ये होगा यानी टू. स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड और वॉल्यूंट्री मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स. दे हैव लॉन्ग थीन मल्टी न्यूक्लेटेड फाइबर्स हैविंग अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रेशन. दे कंटेन मायोफाइब्रिल्स विच कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थीन एक्टिन एंड थिक मायोसिन. Smooth muscle cells are uninucleate spindle shape and don't have any striations. Cardiac muscle cells are uninucleate, so faint striations and are branched cells. Which of the following options gives the correct match with respect to the disease, its causative organism and mode of infection? Answer will be C. Amoebiasis जो है उसका causative organism है Entamoeba histolytica. और मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो फीको ओरल रूट है. ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं पिछले मॉक टेस्ट में. तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर थ्योरी जरूर याद रखें. एंटामोबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट दैट कॉजेज एमोबियासिस. सिम्टम्स इंक्लूड कंस्टिपेशन एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाई द फिकल मैटर इज द मेन सोर्स ऑफ द अमीबेसिस इन्फेक्शन. निमोनिया इज ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड नॉट बाई वेक्टर्स. मलेरिया इज स्प्रेड बाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो. एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाई अ राउंड वॉर्म एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स एंड नॉट फाइलेरियल वॉर्म. Which of the following does not secrete saliva? Answer will be supramaxillary glands. बाकी parotid gland है, सब mandibular gland और सब lingual gland जो है वो secrete करते हैं saliva. Which of the following statements about the functioning of the kidney is correct? Okay, first यहाँ है on an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by both the ventricles of the heart in a minute. Second, यहाँ पे है JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal commuter tubule and the glomerulus at the location of their contact. तो यहाँ पे कह रहा है correct इज करेक्ट. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है. और थर्ड यहाँ पे कह रहा है द असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये हमारा जो सही है असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग
और सिनोनिम वर्ड आयंस। तो एसेंडिंग जो है वो आयंस के लिए परमिएबल है। ओके, तो इसलिए थर्ड हमारा सही होगा। फोर यहाँ पे है, द कलेक्टिंग डक्ट ऑलोज पैसेज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टीटियम टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी। तो ये भी हमारा सही होगा। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाई द किडनीज पर मिनट, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, जो थ्योरी से ये जो है क्वेश्चन पूछ चुका है पहले पहले के मॉक टेस्ट में। जे जी ए इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट एट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टेक्ट। अ फॉल इन जी एफ आर कैन एक्टिवेट द जे जी सेल्स टू रिलीज रेडिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जी एफ आर बैक टू नॉर्मल। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट ऑलोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। देयर फॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डायल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू द मेडुलरी फ्लूइड। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है सिनेप्टिकल वेसिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में नहीं होते हैं, बाकी गैप जंक्शन पोस्ट पोस्ट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं। गैप जंक्शन होते हैं लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल्स तो होते ही नहीं है। इसलिए आंसर हमारा बी होगा। सिनेप्टिकल वेसिकल्स आर पार्ट ऑफ केमिकल सिनेप्सिस इन अ न्यूरॉन। सिनेप्टिक वेसिकल्स और न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स स्टोर वेरियस न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट आर रिलीज एट द सिनेप्स। द रिलीज इज रेगुलेटेड बाई अ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। वेसिकल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोपेगेटिंग नर्व इम्पल्सेज बिटवीन न्यूरोन्स एंड आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड बाई द सेल्स। ऑल इंजाइम्स ऑफ द टीसीएस साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स एंड इन साइटोसेल इन प्रोकैरियोट्स। दिस एंजाइम इज आंसर बी सी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये आते रहता है एनटीए मॉक टेस्ट में। द टॉलेस्ट पॉजिटिव वेव इन ई सी जी रिप्रेजेंट। आंसर विल बी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, द रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ई सी जी। द वेव्स ऑफ ई सी जी इंक्लूड पी क्यू आर एस वेव। पी वेव विच रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड द टी वेव रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। द वेव्स अबाउट द आइसो पोटेंशियल लाइन्स आर कॉल्ड पॉजिटिव वेव्स एंड द वन बिलो इट आर कॉल्ड निगेटिव वेव्स। पी आर एंड टी आर पॉजिटिव वेव्स व्हाइल क्यू एंड एस आर निगेटिव वेव। आर इज द टॉलेस्ट वेव विच इज अ पार्ट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। द इंक्रीज इन विच ऑफ द विच ऑफ दिस प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस अक्रॉस एल्वियोलाई। आंसर विल बी सी थिकनेस ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। दे आर टीनी सैक्स विच हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज व्हाइल ब्रीदिंग बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एल्वियोलाई सेल्स आर मेड ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एल्वियोलाई बिकम लेस इफिशियंट बिकॉज ऑफ डिजीज नॉर्मल एजिंग स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन। इफ द गैस इज मोर सोलूबल और हैज हायर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज विल बी एट फास्टर रेट। हाउएवर इफ द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस इट विल डिक्रीज। द पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स। आंसर विल बी डी ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। आंसर विल बी सी आई बैंड शॉर्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डिजीज। आंसर विल बी डी स्लीपिंग सिकनेस। ग्रेव्स डिजीज, परनीशियस एनीमिया और जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज हैं। ऑटो इम्यून डिजीज आर सर्टेन अनरिलेटेड डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाई इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू बाई द
body's own immune response. These disorders include acquired hemolytic anemia, pernicious anemia, rheumatic fever, rheumatoid arthritis, glomerulonephritis, systemic lupus erythematosus, myasthenia gravis, Sjögren's syndrome, and several forms of thyroid dysfunctions, including Hashimoto's disease. African trypanosomiasis, also known as African sleeping sickness or simply sleeping sickness, is an insect-borne parasitic infection of humans and other animals. It is caused by the species Trypanosoma brucei. ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायलिसिस इज इनकरेक्ट. ओके, तो ए बी और सी जो है करेक्ट हैं. ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वेनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिस यूनिट आफ्टर एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन. बी यहाँ पे कह रहा है द डायलिसिस यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाई डायलिसिस फ्लूइड. और सी यहाँ पे कह रहा है दैट द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एंडिंग हिपेरिन टू इट. ओके, और डी यहाँ पे जो है इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा आंसर है द डायलिसिस फ्लूइड हैव द एग्जैक्टली द सेम कॉम्पोजिशन एज द दैट ऑफ प्लाज्मा. तो ये हमारा गलत होगा. डायलिसिस इज टू प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट फॉर लॉस्ट किडनी फंक्शन इन पीपल हु विथ रेनल फेल्योर. डायलिसिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूट्स एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड अक्रॉस अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. दिस रेप्लिकेट्स द फिल्टरिंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द किडनी. द टू मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस आर हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. इन हीमोडायलिसिस वेस्टेज एंड वाटर आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड आउटसाइड द बॉडी थ्रू एन एक्सटर्नल फिल्टर कॉल्ड डायलाइजर दैट कंटेन्स अ सेमी परमियबल मेम्ब्रेन. ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन इज एडेड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इट इज देन पम्प्ड इनटू अ डायलाइजर कंटेनिंग डायलाइजिंग फ्लूइड एंड कॉइल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन. द डायलाइजिंग फ्लूइड हैज द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्टेज. द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. एज द नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर एबसेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट फ्रॉम द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट. इन पेरिटोनियल डायलिसिस वेस्टेज एंड वाटर आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द बॉडी यूजिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एज द नेचुरल सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आंसर विल बी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. Which of the following steps during glycolysis is associated with utilization of ATP? आंसर हमारा डी होगा. बोथ ए एंड बी. ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन रहा है, यानी फॉस्फेट ऐड हो रहा है. किसी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि किसमें यूटिलाइजेशन एटीपी हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट साइज में जो है उसमें फॉस्फेट एक्स्ट्रा आ जाता है. ऐसे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा, यूटिलाइज हुआ होगा. और यहाँ पे बी में भी कह रहा है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट है, और प्रोडक्ट में यहाँ रहा है फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट पहले से था, दोबारा एक फॉस्फेट और लग गया, यानी कि एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है. सी में यहाँ पे कह रहा है पीईपी पायरुविक एसिड, तो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुविक एसिड में बना है, तो इसमें जो है फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा, इसलिए हमारा आंसर ए और बी बोथ होगा. आंसर बिल्कुल डी. ओके, द हॉर्मोन दैट कैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेसल एंड रेट ऑफ हार्ट बीट इज. आंसर विल बी सी एड्रेनलिन, जिसमें हमारे इपिनेफ्रिन और नॉरिपिनेफ्रिन आते हैं. एड्रेनलिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. इपिनेफ्रिन मार्कली स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन मसल एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द लीवर. द लीवर इज मोर रिस्पॉन्सिव टू ग्लूकागोन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाई अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लो. मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन. ओके, तो यहाँ पे ए का फर्स्ट होगा, यानी कि ओपोइड्स का
स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, कैनाबिनोइड्स का सेकेंड यानी इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन, और कोका अल्कोलाइड का होगा थर्ड यानी कि स्नॉर्टिंग। ए का 1, बी का 2 और सी का 3। सिंपल साधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 जो हमारा इम्पोर्टेंट हो गया इस तरह से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे विच वन इज एन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, तो आंसर हमारा डी होगा, डिट्रोमाइसिटी जो है उसमें इसुलागो कॉलेटोट्राइकम नहीं आते हैं, फाइकोमाइसिटी म्यूकर और एलबिगो आते हैं, सही है, एस्कोमाइसिटी में पेनिसिलियम और एस्पर्गिलस आते हैं, और बेसिडियोमाइसिटी में आते हैं पक्सिनिया और एगेरिकस। फंजाई फॉर्म्स अ यूनिक ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म शोइंग वाइड डाइवर्सिटी बेस्ड वेरियस फीचर्स लाइक स्पोर फॉर्मेशन मोल्ड फ्लोटिंग बॉडीज फंजाई कैटेगराइज इनटू, तो फाइकोमाइसिटी में आते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस एल्बुगो, एस्कोमाइसिटी में आते हैं पेनिसिलियम एस्परगिलस और क्लेविसेप्स, और बेसिडियोमाइसिटी में आते हैं एगेरिकस पक्सिनिया इस्टुलागो फॉर्म द ग्रुप, और यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिटी में आते हैं ट्राइकोडर्मा कोलेटोट्राइकम होते हैं। यहाँ पे जो इस्टुलागो दिया हुआ, तो इस्टुलागो जो है हमारा वो आते हैं बेस्टियोमाइसिटीज में, नॉट ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है हमारा फंजाई से है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे केमिस्ट्री पे, बायो मेरा पूरा हो गया, वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही हमारे सारे वीडियो आते रहेंगे एनटीए मॉक टेस्ट पे क्विक रिवीजन। केमिस्ट्री का अगर डिटेल वीडियो देखना हो तो आप आरजी एकेडमी या फिर आप जो है केपीएस चौहान केमिस्ट्री या फिर बीआईसीएस इंडिया पे आप देख सकते हैं डिटेल वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज एम एंड टू एम हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, दियर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर इन द रेशियो ऑफ, आंसर विल बी डी अंडर रूट 2:1। विच कंपाउंड हैज इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड, आंसर विल बी ए Cu4.5H2O। एन एलिमेंट हो आईपीएस नेम इज अनट्रायम ईयूटू बिलोंग्स टू, आंसर विल बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्साइड इंजाइम इज 0.5% बाई मास, देन द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ इंजाइम विच कंटेन्स नॉट मोर देन वन सेलेनियम एटम इज, आंसर विल बी ए 1.56 × 10⁴ amu। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑन बर्निंग इन मॉइस्ट एयर डज नॉट गिव स्मेल ऑफ अमोनिया, आंसर विल बी सी सोडियम। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 इज कोवैलेंट कंपाउंड एंड सोल्यूबल इन वाटर गिविंग, आंसर विल बी सी Al Cl2H2O4+ एंड Al Cl4H2O2-2 आयंस। द प्रोडक्ट PV इज प्लॉटेड अगेंस्ट P एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड द रिजल्ट इज गिवन इन द फिगर, आंसर व्हाट इज द करेक्ट अबाउट T1 एंड T2, आंसर विल बी T2 इज ग्रेटर देन T1। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, आंसर हमारा यहाँ पे B हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। एन एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स 15 kg ऑफ ब्यूटेन गैस एट 27 °C एंड 10 atmospheric प्रेशर, इट वॉज लीकिंग एंड इट्स प्रेशर फेल डाउन टू 8 atmospheric प्रेशर आफ्टर 1 day, द गैस लीक्ड इज, आंसर विल बी C3 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डॉप्ड इन टू अ क्रिस्टल ऑफ अल्ट्रा प्यूरिफाइड जर्मेनियम विल कन्वर्ट इट इन टू पी टाइप सेमी कंडक्टर, आंसर विल बी सी इंडियम। एल्युमिनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स, आंसर विल बी डी N2। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, फेनॉल ऑर्थो क्लोरोफेनॉल मेटा क्लोरोफेनॉल और पैरा क्लोरोफ्लोरो, प्लेस दीज कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, आंसर विल बी B सबसे ज्यादा 2 होगा, उसके बाद 3 देन 4 सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी वेयर NO2 इज डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर द सेम रिएक्शन अकर्स एज दैट इन कोल्ड वाटर, तो ये जो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए सी और डी करेक्ट है। व्हेन NO2 इज डिजॉल्व्ड इन कोल्ड वाटर मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड,
सी यहाँ पे कह रहा है N2O5 इज मेड बाई रिएक्शन ऑफ P4O10 विथ नाइट्रिक एसिड वेपर्स, और डी यहाँ पे है NO2 इज वेरी कोरोसिव गैस एंड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मेटल्स। फॉर NH4HS गिव्स NH3 गैस प्लस H2S गैस इफ Kp इक्वल टू 68 ATM स्क्वायर इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज आंसर विल बी 16 ATM। द पीएच ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजेज इन ऑर्डर, आंसर विल बी सबसे ज्यादा NaCN देन KCl उसके बाद NH4Cl उसके बाद HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, आंसर विल बी डी पैरानाइट्रोफेनॉल। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मेटल कार्बोनिल्स, आंसर विल बी डी जो है हमारा वो नॉट ट्रू है। हियर पी पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होते हैं। मेटल एक्ट्स एज लेविस बेस एज वेल एज लेविस एसिड, हियर सीओ एक्ट एज लेविस बेस एज वेल एज लेविस एसिड। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली इन फॉर्म, आंसर विल बी ए CH3CHOH CH2CO CH3। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन अंडरगो कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म दिस कंपाउंड। ओके नेक्स्ट, अ लिक्विड इज स्टर्ड इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर फॉर अबाउट 2 आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर विल बी ए डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0 क्यू इक्वल टू 0 और डेल्टा यू जो है पॉजिटिव होगा यहाँ पे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन गैस विल बी ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl एट 1.8 ATM एंड 27 डिग्री सेल्सियस। द इलेक्ट्रोलाइसिस कंटिन्यूड फॉर 9.65 सेकेंड यूजिंग 1000 एम्पियर करेंट, आंसर विल बी 0.683 लीटर। फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इन दिस आयन क्या होगा, आंसर विल बी सी यहाँ पे होगा 0। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड इफ 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल, गिवन टेक एटॉमिक मास ऑफ वैनेडियम एज 52 ग्राम पर मोल, आंसर विल बी सी V2O5। CrO42 माइनस येलो चेंजेस टू Cr2O72 माइनस ऑरेंज इन pH इक्वल टू x एंड वाइस वर्सा इन pH इक्वल टू y, हेंस x एंड y आर, आंसर विल बी A6 एंड 8। Which of the following pairs of solution can we expect to be isotonic at the same temperature? Answer will be D. यहाँ पे होगा 0.1 m CaNO3 whole twice and 0.1 m Na2SO4. Okay, next. The molar ratio of Fe2 plus to Fe3 plus in a mixture of FeSO4 and Fe2SO4 whole thrice having equal number of sulfate ions in both ferrous and ferric सल्फेट्स इज, आंसर विल बी B3:2। द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री इज, आंसर विल बी सी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू चेंज 36 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, आंसर विल बी 16 किलो जूल। Which of the following properties is not correct to both beryllium and aluminium? Answer will be A. Beryllium like aluminium does not dissolve in alkali. ये हमारा गलत है, बाकी B, C, D जो है सही है। Oxides of both beryllium and aluminium are amphoteric. Beryllium chloride is covalent like aluminium chloride. और carbides of both metals react with water liberating methane. In an experiment, 0.04 farad was passed through 400 ml of 1 m solution of NaCl. What would be the pH of the solution after the electrolysis? Answer will be C13. Solubility of calcium phosphate molecular mass m in water is W gram per 100 ml at 25 degrees Celsius. Its solubility product at 25 degrees Celsius will be approximately, answer will be 10 to power 7 W by m to the power 5. Which of the following statement is incorrect? Answer will be A. Polythene contains double bonds. तो हमारा गलत है, बाकी B, C, D सही है। The monomer used to make
टेटलॉन इन इज सी टू एफ फोर। कंडेंसेशन पॉलीमर आर नोन एज को पॉलीमर्स और अ डी नेचुरल प्रोटीन कुड हैव द सेम प्राइमरी स्ट्रक्चर एज द एक्टिव प्रोटीन। फिर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो हमारा इनकरेक्ट है फर्स्ट, सी एन बॉन्ड लेंथ इज इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एन बॉन्ड्स, और बाकी बी सी डी जो है वो सही है। ओके, मॉर्फिन मॉर्फिन नार्कोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम एस एल बी ए ओपियम। ओवरऑल रेट डी पी बाई डी टी फॉर द रिएक्शन टू ए के जो है बी बी प्लस सी के एफ पी गिवन बाई एंसल बी ए के इंटू के एफ ए स्क्वायर ए टू पावर टू एंड सी। ऑन हीटिंग एन एक्स विथ एच टू एस फोर एंड एम एन ओ टू द हेलोजन दैट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इज एंसर विल बी एफ टू। अ वाटर सैंपल हैज पीपीएम लेवल कंसेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग एनायंस एफ माइनस टेन एस ओ फोर टू माइनस हंड्रेड एंड एन ओ थ्री माइनस फिफ्टी। द एनायन बाई एनायन दैट मेक्स द वाटर सैंपल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज आर आंसर विल बी ओनली एफ माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवेन कॉम्प्लेक्स इज ए स्पीसीज फॉलोइंग ई एन रूल, आंसर विल बी सी सी ओ बी आर सी एल ट्राइन प्लस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस दैट कैन रिड्यूस ए जी एन ओ थ्री टू सिल्वर इज आंसर विल बी सी एच थ्री पी ओ थ्री। इनिशियली द मोलर रेशियो ऑफ एन टू एंड एच टू वाज वन इज टू थ्री एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ ईच हैज रिएक्टेड। इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एच थ्री एट इक्विलिब्रियम इज आंसर विल बी ए पी बाई थ्री। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एट 1000 डिग्री सेल्सियस, आंसर विल बी बी जेड एन ओ कैन बी रिड्यूस्ड टू जिंक बाई कार्बन। ये है हमारे एलिंगम ग्राम डायग्राम का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज, आंसर विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर्स ऑफ द कैटालिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन। पीबीएस एंड एनएससीएल टाइप स्ट्रक्चर द डिस्टेंस बिटवीन पीबी टू प्लस एंड एच टू माइनस आयंस इज 297 पीएम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ पीबीएस, आंसर विल बी ए 209.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। ऑन पासिंग एच टू एस थ्रू एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर वी गेट आंसर ए सल्फर। विच ऑफ द अल्कली मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी। व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ के बी आर द सोल्यूशन इमीडिएटली टर्न्स ऑरेंज रेड बिकॉज, आंसर विल बी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बी आर सी एल। ओके, तो ये सारे हमारे हो गए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब आते हैं यहाँ पे फिजिक्स में। फिजिक्स का जो डिटेल वीडियो है आप हेल्पिंग हैंड बाय सिद्धार्थ सर या फिर आरजे एकेडमी पे फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं की तो प्लीज लाइक कर देना और जो नए व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। इफ एलिमेंट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल एन इज मोर देन फोर वे आर नॉट अलाउड इन नेचर द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स वुड बी, आंसर विल बी ए 60। इफ 13.6 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एनाइज द हाइड्रोजन एटम देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू टू इज, आंसर विल बी सी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क विथ आइडेंटिकल सर्कुलर कैविटीज इज शोन इन द फिगर। डिफरेंट रिलेवेंट कोऑर्डिनेट्स आर गिवेन इन द फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम आर, आंसर विल बी 19 r/6 एंड 5 r/2। नेक्स्ट, अ बॉल स्ट्राइक्स अ हॉरिजेंटल फ्लोर एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री द कोफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज 0.5। द फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन इज, आंसर विल बी बी 3/8। अ सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस आर एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस आर इज
लेसर देन आर कैपिटल आर इज फिल्ड कम्प्लीटली विथ आयरन बॉल्स ऑफ द रेडियस रो. आयरन बॉल्स आर जस्ट फिटिंग इन टू द ट्यूब्स. द टेंशन इन द ट्यूब व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. आंसर विल बी डी 2/3 पाई रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर. द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल है मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन एट टाइम टी इज आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप. द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज आंसर विल बी ए अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ऑफ सेंटर एट ए एंड 0. द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9×10³ के जी पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटोमिक मास इज 63.5 U. ईच कॉपर एटम प्रोवाइड्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन. एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर. आंसर विल बी डी 10^28. इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज. आंसर विल बी डी 8/7 ओम. नेक्स्ट द फॉलोइंग फिगर शोज अ कंडक्टिंग डिस्क रोटेटिंग अबाउट द इट्स एक्सिस इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी. द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिम. द करेंट इन द रेजिस्टर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 5.0 सेंटीमीटर. एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल 10 रेडियन पर सेकेंड बी इक्वल टू 0.40 टेस्ला एंड आर इक्वल टू 10 ओम. आंसर विल बी ए 0.5 एम्पियर. इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 1:10 एंड द प्राइमरी वोल्टेज इज 230 वोल्ट. इफ द लोड करेंट इज 2 एम्पियर देन द करेंट इन द प्राइमरी इज. आंसर विल बी ए 20 एम्पियर. टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर कैरीज चार्जेस क्यू एंड 2Q रेस्पेक्टिवली. चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल. फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को. टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियाई आर एंड टू आर कैरी चार्जेस क्यू एंड 2Q रेस्पेक्टिवली. चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द आउटर सेल व्हेन बोथ आर कनेक्टेड बाई अ कनेक्टिंग वायर इज. आंसर विल बी ए 0. 64 आइडेंटिकल स्फेयर ऑफ चार्जेज क्यू एंड कैपेसिटेंस सी ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज स्फेयर. द चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द लार्ज स्फेयर आर. आंसर विल बी सी 64 Q एंड 4 कूलम्ब. अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल हैविंग मास डेंसिटी लेमडा इक्वल टू ए प्लस पी एक्स स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद एंड्स ऑफ ए एंड 0 एंड ए प्लस एल 0. द फोर्स इट विल एक्सर्ट ऑन अ पॉइंट मास एम केप्ट एट द ओरिजिन इज. आंसर विल बी सी जी एम ए इंटू ए बाई ए ए इंटू ए प्लस एल प्लस बी इंटू एल. द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 12.6 न्यूटन. वेन इट इज रेज टू अ हाइट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ इट इट्स वेट विल बी. आंसर विल बी 6.5.6 न्यूटन. सोलर रेडिएशन इमिटेड बाई सन इज कॉरिस्पॉन्ड्स टू दैट इमिटेड बाई द ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन. मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इमिटेड एट अ वेवलेंथ ऑफ 4800 एंगस्ट्रॉम. इफ द सन वाज टू कूल डाउन फ्रॉम 6000 केल्विन टू 3000 केल्विन देन द पीक इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन वुड अकर एट वेवलेंथ एस बी 9600 एंगस्ट्रॉम. वीटी ग्राफ फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर then the corresponding pp graph would be. answer will be a. the gas inside a spherical bubble expands uniformly and slowly so that its radius increases from r to 2r. the atmospheric pressure is rho p naught and surface tension is s. the work done by the gas in the process is. answer will be a 28 pi r cube रो नॉट बाई 3 + 24 πs r³. द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्रोक्सीमेटली. एज्यूम नो रेजिस्टिव इफेक्ट. आंसर विल बी डी 28 GHz. टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू इच अदर. द वायर ए ओ बी कैरीज एन इलेक्ट्रिकल
current I1 and COD carries current I2. The magnetic field on a point lying at a distance of from O in a direction perpendicular to the plane of the wires AOB and COD will be given by answer will be B mu naught by 2 pi d into I1 square plus I2 square का 1/2. A bar magnet of the moment M equal to I plus I cap plus J cap is placed in a magnetic field direction B equal to 3 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap. The torque acting on the magnet is answer will be A 4 I cap minus 4 J cap plus K cap. A graph between the square of the speed of a particle moving along a straight line and the distance it moved is shown in the figure. The acceleration of the particle in kilometer per hour is answer will be C minus 2250. The kinetic energy of a projectile at the highest point is half of the initial kinetic energy. The angle of projection with the horizontal is answer will be B 45 degree. A body starts from rest and moves with a constant acceleration to t seconds. It travels at a distance x1 in the first half of the time and x2 in the next half of the time. Then answer will be C x2 equal to 3x1. Two blocks of mass M and capital M are connected by massless thread which passes over a fixed massless pulley. The table under capital M is smooth. The force exerted by the pulley on the table is answer will be A under 2 capital M mg by capital M plus M. What is the distinguishing constant of a radioactive element if the number of its atoms diminished by 18% in 24 hours, where Ln 50 by 41 equal to 0.198? Answer will be D 22 10 to power minus 6 per second. If a star can convert all the helium nuclei completely into oxygen nuclei, the energy released per oxygen nuclei is mass of helium nucleus is 4.0026 amu and mass of oxygen nucleus is 15.994 amu. Answer will be C 10.24 mega electron volt. A point mass m is suspended at the end of massless wire of length L and cross section area A. If Y is Young's modulus for the wire, then the frequency of oscillation for the SHM along the vertical line is answer will be A 1 by 2 pi under root y a by a small m l. A tunnel is dug along the diameter of the earth. A mass m is dropped into it. How much time does it take to cross the earth? Answer will be D 42.3 minute. Ultraviolet light of wavelength 200 nanometer is incident on the polished surface of Fe iron. The work function of the surface is 4.71 electron volt. What will be the stopping potential? Answer will be A 1.5 volt. The work function of the metal is in the range of 2 electron volt to 5 electron volt. Find which of the following wavelength of light cannot be used for the photoelectric effect. Answer will be 650 nanometer. A capillary tube is dipped in water up to a depth L and the water rises to a height H is less than L in the capillary tube. The lower end of the tube is closed now and the tube is taken out of water. When the lower end of the tube is opened now, the length of the liquid column in the tube will be answer will be D 2H. The bulk modulus of water is 20 to the power 9 Newton per meter square. The change in pressure required to increase the density of water by 0.1% answer will be C 20 to the power 6 Newton per meter square. The distance between the object and its real image from the convex lens is 60 centimeter and the height of the image is 2 times the height of object. The focal length of the lens is answer will be C 40 by 3 centimeter. A beam of light is traveling from region second to region third seen in the figure. The refracting index in the region first, second, and third are n naught by root 2 and n naught by 2 respectively. The angle of incidence theta for which the beam just misses entering region 3 is answer will be A 30 degree. Next,
टू स्फेयर्स ऑफ इक्वल मास है, जो वन ऑफ विच इज अ थिन स्फेरिकल शेल एंड द अदर अ सॉलिड हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर्स, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी, आंसर विल बी सी अंडर रूट 3:2 अंडर रूट 5। A uniform rod is held at an angle of 45 degree to the horizontal and released from rest at zone. The minimum coefficient of friction between plane and rod required so that the rod does not slip on the plane upon release will be, answer will be A, 3 by 5. The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of a wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap in electron volt for semiconductor is, answer will be C, 0.5 electron volt. Which logic gate is represented by the following combination of logic gates? Answer will be C, AND gate. A monoatomic gas gamma equal to 5 by 3 is suddenly compressed to 1 by 8 of its volume adiabatically, then the pressure of the gas will change to how much times? To 32 times of the initial pressure. If the pressure P, velocity V and time T are taken as a fundamental physical quantities, the dimensional formula of the force is, answer will be A, P V to the power 2 T square, T to power 2. The interface Ference pattern is observed at P due to superposition of two rays coming out from a source S as shown in the figure. The value of L for which maxima is obtained at P is R is a perfect reflecting surface. Answer will be C, L equal to 2n minus 1 lambda under root 3 by 4 into 2 minus under root 3. The intensity of light coming from one of the slits in YDSC is double the intensity from the other slit. Find the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference fringe pattern observed. Answer will be D, 34. A cylindrical tube open at both the ends has a fundamental frequency of 390 Hz in the air. If 1 by 4 of the tube is immersed vertically in water, the fundamental frequency of air column is, answer will be A, 260 Hz. Find beat frequency of the motion of two particles is given by y1 equal to 0.25 sine 310 t and y2 equal to 0.25 sine 316 t. Answer will be 3 by pi. A block of mass m is kept on a platform. Platform starts moving upwards with an acceleration of g by 2. Find the work done by the normal force on the block in the first 1 second. Answer will be C, 3 mg square by 8. Okay, तो ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर नए व्यूअर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जिन्हें भी एनटीए मॉक टेस्ट का सारे पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, डिस्क्रिप्शन दिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।